हेलो दोस्तों, गेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप जानेंगे कि रिमोट वाले फ़ैन को प्रॉपर तरीके से कैसे इंस्टॉल करना है, और साथ ही साथ उसमें आजकल जो सेफ्टी वायर दिया रहता है इसको भी कैसे लगाना है। ठीक है, सेफ्टी वायर का बहुत बड़ा रोल है कि अगर आपका फ़ैन कभी गलती से उसका स्क्रू खुल जाता है तो गिरने नहीं देगा, सेफ्टी वायर जो है फ़ैन को पुल किया रहेगा। ठीक है, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस जो है उसको देख सकते हैं, इसमें बताया गया कैसे कैसे आपको लगाना है, लेकिन मैं आपको एकदम आसान तरीके से बता रहा हूँ कैसे आप इसे लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए, इसे लगा लीजिए कैप को ऐसे, ताकि ऊपर जाए तो ऐसे रहे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तार और ये सेफ्टी वायर दोनों आप ऐसे नीचे डाल दीजिए। इसको मैं नीचे से डालूंगा, इसे निकाल लीजिए। चलिए, इसको नीचे से मैंने इसलिए लगाया ताकि इसमें आसानी से लगा के इसको यहाँ फंसाया जा सके। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप इसको यहाँ से ऊपर तरफ ऐसे दोस्तों, अब आप यहाँ पे देखिए, अब तार को ऐसे अलग कर लीजिए, इसको फिर वापस ऊपर खींचेगा। देखिए ये हो गया, यहाँ हो गया कंप्लीट। ठीक है, ऐसे देखिए सिर्फ इसी वायर से ये टंगा हुआ रह रहा है। अब इसको अभी उसी तरह को छोड़ देना है। ठीक है, अब देखिए ये फैन का कनेक्शन जो है उस फैन के पुराने वाले ट्रेडिशनल फैन के बनिस्पत काफ़ी आसान है। इसमें मात्र दो वायर निकले हुए हैं, उसमें तीन वायर निकला रहता है और साथ ही साथ दो वायर कैपेसिटर के होते हैं, पांच वायर का कनेक्शन करना रहता है, लेकिन इसमें बस सिंपल दो वायर है। आप एक को इसमें और दूसरे को दूसरे वाले पॉइंट पे जोड़ दीजिए। अब उसके बाद आपको इसके बाद यहाँ भी आप पिन लगा दीजिए ताकि आपका डबल प्रोटेक्शन हो जाए। ठीक है, एक तो ये पिन भी नट को खुलने नहीं देगा, दूसरा चीज़ ये जो आपका सेफ्टी वायर है ये भी आपको फैन को नीचे गिरने नहीं देगा। चलिए ये दोनों हो गया, अब मैं तार, इस तार को थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ ताकि बॉडी में नहीं सटे और एक्स्ट्रा आपको आवाज़ जो है नॉइज़ जो है नहीं मिले। अब इसको यहाँ ला लीजिए। ठीक है, बस ये इससे ज़्यादा नीचे आएगा नहीं, टाइट करने का ज़रूरत नहीं है। इसको मैं और नीचे करता हूँ। मैं अभी इसको बहुत टाइट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी ऊपर जब ऊपर इसे जैक में जब फंसाना होगा, ठीक है, मैं बाहर हूँ, थोड़ा सा नॉइज आपको मिल रहा होगा, इसको आप इग्नोर करें। जब इसको मैं इसके हुक में इसे फंसाऊंगा, ठीक है, तो उसी वाले हुक में इस तार को भी ऐसे लपेटना है, ऐसे लाना है, और उसके बाद यहाँ पे ये पॉइंट का इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैं डायना कस लेता हूँ, फिर आपको ऊपर लगाते वक्त इसको दिखाया जाएगा। टाइट करके स्प्लिट पिन है इसको लगा देना है ताकि एक प्रोटेक्शन आपका इसी तरह हो जाए। उसके बाद ये जो वायर दिया हुआ है सेफ्टी वायर, उसको लगाने के लिए देखिए यहाँ पे आप देखिए एक बार, ये हो गया, आपको इस होल से पास कराना है ऐसे, यहाँ और यहाँ। ठीक है, पास कराने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ जो हुक दिया हुआ है इसमें से होके इसको गुजारना है। ठीक है, देख पा रहे हैं, यहाँ से होके गुजारना है, फिर उसके बगल वाले जो होल दिया हुआ है वहां से इसको पास कराना है। वायर को मैं यहाँ ले गया, ठीक है, हुक से पार कराते फिर वापस मैंने इधर ला दिया। ठीक है, उसके बाद इसको ऐसे ले जाके यहाँ रखना है,
फिर इसको टाइट कर देना नट बट इसमें जो दिया हुआ है उसके हेल्प से इसको टाइट कर देना। ठीक है अच्छे से आप देख पा रहे हैं, सिर्फ नीचे वाले के होल से पार कराना है, ऊपर वाला ऐसे ही टाइट कर देना है पीछे नट बोल्ट की मदद से। ठीक है दोस्तों अब चलिए, ये जो दो वायर है, ये दो वायर है और ये फाइनली जो दो वायर प्लग है इसमें जोड़ देना है। कोई भी वायर किसी में जोड़े उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है कोई भी वायर किसी में आप जोड़ दीजिए। ठीक है अब टेस्ट करके देखा जाए। ठीक है दोस्तों मैं रिमोट और फैन एक साथ दिखा रहा हूँ, देखिए जैसे मैं यहाँ प्रेस किया वहाँ एक लाइट जला और फैन जो है आपका चलने लगा। स्पीड यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 जितना भी आपको चाहिए, मैं अभी 5 करता हूँ। ठीक है और यहाँ पे टाइमर दिया हुआ है ताकि आप इसे 2 घंटे बाद बंद कर सके, 4 घंटे बाद बंद कर सके, 6 घंटे बाद और 8 घंटे बाद, जितने घंटे बाद आपको बंद करना है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के जरूरी वीडियोज पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आपको कोई भी कन्फ्यूजन या सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करें।